हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। पनीर सबको पसंद आती है, चाहे फिर वो किसी भी तरह से बनाई गई हो। यहाँ पर जो मैं मसाला बना रही हूँ वो कोई भी रसेदार सब्जी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे फिर वो मटर आलू हो या गोभी आलू या फिर लौकी के कोफ्ते हो। तो ये ऑल इन वन मसाला है। जो मसाले बनाने का तरीका है बहुत ही अलग से मैंने बनाया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको आज की मटर पनीर की सब्जी पसंद आती है तो ज़रूर हिट कीजिएगा लाइक बटन, और अगर आप नए हो मेरे चैनल में और आपको रेसिपीज पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी हाँ, नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से मटर पनीर की सब्जी। हमने यहाँ पे 3 मध्यम आकार के प्याज लिए हैं, इसे हम पानी में डाल देंगे और प्याज को 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। और उबालने के बाद प्याज को बिना पानी के हम पीस लेंगे, इससे ये होगा कि ग्रेवी में जो प्याज का फ्लेवर है वो नहीं आएगा। जब तक प्याज उबल रहा है हम साइड में कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, और आंच को यहाँ पे हमें मध्यम रखना है। हमने यहाँ पे 2 बड़े आकार के बहुत ही पके हुए टमाटर को हम यहाँ पे पका लेंगे, ढक कर करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, या जब तक टमाटर पूरी तरह से मुलायम ना हो जाए। यहाँ पे प्याज और टमाटर दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम ये करेंगे कि प्याज को हम मिक्सर में डाल देंगे, साथ ही साथ में जो टमाटर है उसे भी हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई में छोटा सा स्लाइस लेंगे बटर का, आंच को यहाँ पे हमें मध्यम रखना है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे 4 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। जैसे ही बटर पिघल जाएगा इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा कसूरी मेथी, छोटी सी दालचीनी, 3 तेज पत्ते डालकर हम इसे चला लेंगे। साथ ही साथ इसमें 4 लौंग, 10 काली मिर्च डाल के चला लेंगे। यहाँ पे प्याज और टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसे मसाले में डाल देंगे, और इसे हमें पकाना है जब तक किनारों में से तेल ना निकलने लग जाए। तो हमें यहाँ पे करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मसाला पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे 20 काजू को पानी में गला लिया था और फुला लिया था, और इसका हमने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया है। तो ये अब हम डाल देंगे, और हमें यहाँ पे करीबन 10 मिनट तक इसे ढक के पकाना है, या जब तक तेल किनारों में आना ना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है, किनारों में से तेल निकलना शुरू हो चुका है। गैस को हम यहाँ पे धीमा कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिला लेंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। यहाँ पे हमें 1 मिनट तक इसे पकाना है। तो 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम 1 कप उबले हुए मटर डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। हमने यहाँ पे 350 ग्राम पनीर लिया है, इसके हमने क्यूब्स काट लिए हैं, तो इसे हम डाल देंगे और इसे ढक के 10 मिनट तक हम धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई ग्रेवी बना रही हूँ। अगर आपको पनीला चाहिए है तो आप थोड़ा और पानी डाल दीजिए इसमें। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा माउथ वाटरिंग टेस्टी एवरग्रीन मटर पनीर तैयार हो चुका है। इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आ रही है। इसे हम हरे धनिया से सजा लेंगे। आप इसे नान, कुलचा, पराठा, फुलका, जो आपको पसंद है उसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मटर पनीर की रेसिपी पसंद आई होगी। आप मटर पनीर की रेसिपी बनाते हो तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से बनी थी ये। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।